हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 18 है। डे 18 में आज आपके दो टॉपिक कवर करूंगा, एक सिंपलीफिकेशन, दूसरा मिसिंग नंबर सीरीज। दोनों टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी अपकमिंग एग्जाम कौन सी है? SBI क्लियर, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो प्रॉपरली ध्यान दीजिए, ठीक है। चलते पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक क्या है सिंपलीफिकेशन का? पहला क्वेश्चन, 54 × 40 − 160% ऑफ 900 + − 9 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस जो है सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसमें जो है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के जो है आप लोग अच्छे से लर्न करके रखिए। एटलीस्ट स्क्वायर रूट जो है 50 तक लर्न करके रखिए, तभी आप लोग बेनिफिट होगा एग्जाम के दौरान, ठीक है। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। 54 × कितना दिया है? 40 दिया है। माइनस के 160% ऑफ 900, 160 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 ओवरली कट करिए, प्लस 9 का स्क्वायर कितना है? 81। 4 4 16, 5 4 21, 2 1 6 0, −69 = 54, 9 1 9 1 4 4 0, +81। माइनस करिए, 11 − 4 = 6, 7 आ जाएगा, तो 720 मिला, ठीक है। 720 में जो है 81 प्लस करना है, तो 801 मिला। तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या मिला? वो 801। क्या किया? 54 को 40 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 16, 1 कैरी हो जाएगा, 5 4 20 + 1 = 21, 2 1 6 0 मिला इस अमाउंट का, ठीक है। 5 1 60 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 ओरली कट कर, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू दिया है, ठीक है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 144 आता है, कन्फर्म, और 0 लगा दिया यहाँ पर। 2 1 6 0 को 1 4 4 0 से माइनस किया, 720 मिला, 720 को 9 के स्क्वायर में ऐड कर दिया, तो मुझे कितना मिला? 8 0 1 मिला, ठीक है। आई होप सब लोग समझ में आ रहा है मैं कैसे करा रहा हूँ। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SBI क्लर्क में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बस प्रॉपरली आप लेक्चर कंटिन्यू देखिए मेरा। 77% ऑफ 600, 77 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 ओरली कट करिए, प्लस 37.5 जो दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144 आता है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया है ना। 6 7 = 42, 6 7 = 42 प्लस 4 46, 462। जितना फास्ट हो सके ना उतना फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए, ठीक है। 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 7 2 = 14 + 1 = 15, 2 3 = 6 + 1 = 750, ठीक है। और 0 कट हो जाएगी, पॉइंट दिया हुआ है तो 0 कट हो गया, कन्फर्म। फिर 144 इसमें ऐड कर दीजिए, बस इन तीनों का एडिशन है और आंसर मिल जाएगा आपको। 2 + 5 = 7 आ जाएगा, 6 + 7 = 13, 1 कैरी, 537, 537 में कितना ऐड करना है? 144 ऐड करना, 7 + 4 = 11 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 3 + 1 = 8 आ जाएगा, 5 + 1 = 6 आ जाएगा, तो 681। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला, वो मिला मुझे 681। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 576 स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू दी है ना, तो 24 का स्क्वायर था 576, 24 को जो है 6561, किस 6561 किसका स्क्वायर है? 81 का स्क्वायर है, प्लस देखिए मैं 80-90 तक लर्न करने नहीं बोल रहा आपको, पर एटलीस्ट जो है 50 तक लर्न करके रखिए स्क्वायर रूट, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर आप एटलीस्ट 50-60 तक लर्न करके रखोगे ना, तो आप लोग का पेपर निकल जाएगा और आप ही का जॉब हो जाएगा, ठीक है। मैं बस बोलने काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो सिलेक्शन मेनली जो डिपेंड कर रहा है वो स्पीड, एक्यूरेसी, ठीक है, और जो है मैथ में जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो है, टेबल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करने की कोशिश करिए, 20 मिनट्स के अंदर हमें 35 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते, तो स्पीड एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है। 24 को जो है 81 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 21 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करिए, 2 0 ओरली कट करिए, 9 1 9, 9 2 18, तो 189 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। 81 को दो पार्ट में डिवाइड करिए, 80 और 1 में, आपको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। 8 4 = 32, 8 2 = 16, 16 + 3, 1920, उसके बाद 24 × 24 आ जाएगा, 4 1944 + 189, 9 + 4 = 13, 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 4 = 12 + 1 = 13, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 9 = 10, 9 + 1 = 10 आ जाएगा, 10 + 1 1 कैरी हो रहा है ना, तो 11 आ जाएगा, और 1 का जो है 2 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिला आंसर? 2 1 3 3। देखिए क्रॉस चेक करते हैं, 9 + 4 = 13, 1 कैरी, 8 + 4 = 12 + 1 = 13 आ जाएगा, 9 + 1 = 10 + 1 = 11 आ जाएगा, 1 कैरी, 1 का 2 हो जाएगा, तो 2। तो थर्ड क्वेश्चन आंसर जो मिला वो मिला मुझे 2 1 3 3। कितना हार्ड टाइम लगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने को? हार्डली 10 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, बस जितना फास्ट मल्टीप्लाई कर सको ना उतना फास्ट आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है? 0.4
मल्टीप्लाई बाय कितना बोला 220, डिवाइड बाय कितना बोला 48, और फिर मल्टीप्लाई बाय कितना बोला 18। डन, ऐसे ही बोला है, इक्वल टू क्या बोला है 11 का क्यूब दिया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है, अभी अगर मैं बोलूँ 0.4 का यहाँ मैं कट करने की कोशिश करूँ तो मुझे देखिए थोड़ी देर के लिए जीरो भूल जाइए, ठीक है, सिर्फ 4 लीजिए यहाँ पर, यहाँ 480 ले लीजिए, 120 मिल गया हमें। यहाँ पर अगर मैं जीरो ले तो कितना मिलेगा, 12 ones are 12, 12 fives are 16, तो यहाँ मुझे कितना मिला 0.15 मिल जाएगा। ठीक है, 0.15 को मैं अगर सब 220 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 33 मिलता है। कितना मिलता है, 33 मिलता है। 33 को यहाँ पर मल्टीप्लाई का दिया है ना, उसका ऑपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 11 को डिवाइड कर लीजिए तो मुझे क्या आंसर मिला, 3 मिला। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो मिला मुझे 3। आया समझ में, 0.4 था कट किया पॉइंट को, 120 मिला, 120 को 118 से कट किया 0.15 मिलता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, जीरो मत लगाइए, 0.15 मिलेगा आंसर आपको आसपास। ठीक है, तो 220 से अगर 0.15 मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, आपको आंसर आ जाएगा 33। 33 को जो 11 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक जो है आप लोगों को वो पता होना चाहिए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, 22% ऑफ 120 प्लस 26% ऑफ 800, तो जीरो कट, दो जीरो कट कर लीजिए, 16 का स्क्वायर 256 आता है, ये तो बोरुली भी कर सकते हो। ठीक है, एक जीरो कट कर दीजिए, सिर्फ 10 से डिवाइड करना रह जाएगा, 264 मिला, 264 को 10 से डिवाइड करिए, 26.4 मिलेगा, 8 6 16 plus 208 plus 256 6 plus 8 14 1 कैरी, 5 plus 1 6 आ जाएगा, 2 plus 2 4 आ जाएगा, 4 6 4 आ जाएगा, 26 ऐड करिए, 6 plus 8 490 490.4, तो मुझे जो आंसर मिला आखिरी क्वेश्चन का वो मिला मुझे 490.4। कितना हार्ड था क्वेश्चन के अंदर, 22% ऑफ 120 दिया था, दो जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक जीरो कट हो गया, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करना था, 12 को दो पार्ट में डिवाइड किया 10 और 2 में, 22 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया 220 मिला, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 मिला, दोनों का एडिशन किया 264 मिला, 264 को 10 से डिवाइड किया 26.4 मिला। यहाँ तक समझा आपको, 26% ऑफ 800 दिया था, 26 इंटू 8 किया मुझे कितना मिला, 208 मिला। ठीक है, 208 में 256 ऐड किया, 256 कहाँ से आया, 16 का स्क्वायर दिया था, दोनों का एडिशन किया मुझे 4 कितना मिला, 464 मिला ना, तो 464 को 26.4 में ऐड कर दिया, मुझे 490.4 मिला। डन, आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा है मैं कैसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले। चलते हैं अभी हम मिसिंग नंबर सीरीज की तरफ, मिसिंग नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप विद इन 10 सेकंड से सॉल्व कर जाओगे, और पैटर्न नहीं समझ में आया तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पैटर्न बैठना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 21, 23, 37, 71, 136 एंड मिसिंग टर्म। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्मूथली वे रन हो रही है। अगर सपोज सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो, स्मूथली वे रन हो रही हो, तो आप लोग क्या चेक करो, सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस जो मिल रहा है मुझे 2 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ डिफरेंस जो मिल रहा है मुझे 14 का डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ मुझे डिफरेंस मिल रहा है 11 minus 7 4 आ जाएगा, 6 minus 34 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 3 minus 1 2 आ जाएगा, 30 minus 7 62 आ जाएगा। आप लोग देखते हैं कुछ समय में आ रहा है कि पैट क्या चल रहा है, 2 14 34 62, ये मुझे समय में आ गया, ये जो है 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 माइनस 2 करो तो मुझे 2 ही मिलता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करो 16 आता है, 16 माइनस 2 करो तो मुझे 14 मिलता है, कन्फर्म 6 का स्क्वायर माइनस 2 करो तो मुझे कितना मिलता है, 34 मिलता है, यहाँ मैं 8 का स्क्वायर करो माइनस 2 करो तो मुझे 62 मिलता है, तो अगला क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 आता है, 100 माइनस 2 करो तो 98 मिलता है, 98 133 में ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 3 1 कैरी हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 आ जाएगा, प्लस 1 13 1 का 2 हो जाएगा, तो 31। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से मिला, वो मिला मुझे 231। पैटर्न क्या चल रहा था, इन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 ऐसे चल रहा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 16 137 866 915, उसके बाद 1040। ठीक है, देखिए सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है प्लस स्मूथली वे रन चल रही है। अगर सपोज सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही हो प्लस स्मूथली वे रन हो रही हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करें डिफरेंस, 7 minus 6 1 आ जाएगा, 30 minus 1 12 आ जाएगा, 121 का डिफरेंस मिला, 866 minus 137 मुझे मिलेगा, 729 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, 16 minus 7 9 5 minus 2
फाइव माइनस थ्री टू आ जाएगा और 8 माइनस वन सेवन है, 720 का डिफरेंस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 15 माइनस सिक्स मुझे यहाँ डिफरेंस कितने मिल रहा है, 14 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है 125 का, ओके। ये जो देखिए 11 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अगला क्या होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है, तो 1049, दैट्स इट। इतना ईजी क्वेश्चन था कि नहीं, तो मुझे सेकेंड क्वेश्चन कहाँ से मिला, वो मिला मुझे 1049, है कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ओरली भी आप लोग कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्क्वायर रूट अच्छे से लर्न हो गए ना, तो आप लोग विद इन 10 सेकंड्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अगला जो होना चाहिए 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर क्या है 256। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोले, 962, 1025, 1090, 1157, 1226 एंड मिसिंग टर्म, यही दिया हुआ है। 962 जो है 31 का स्क्वायर प्लस 1, 31 का स्क्वायर आता है 961, 961 में 1 ऐड किया तो 962 आता है, ठीक है। फिर 32 का स्क्वायर आता है 1024, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस 1 करो तो 1025 मिलता है। यहाँ देखिए 33 का स्क्वायर प्लस 1, 33 का स्क्वायर आता है 1089, 1089 में अगर 1 ऐड करो तो मुझे 1090 मिलता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 34 का स्क्वायर प्लस 1, 34 का स्क्वायर आता है 1156, 1156 प्लस 1 का तो 1157 मिलता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 35 का स्क्वायर प्लस 1, 35 का स्क्वायर 1225 आता है, 1225 प्लस 1 तो 1226 मिलता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगला होना चाहिए 36 स्क्वायर 1296, तो अगला जो है 13 होना चाहिए 1296 प्लस 1 तो 1297, तो अगला जो है वन यहाँ पर आना चाहिए, वो आना चाहिए 1297, ओके। आया समय पैटर्न, 31 का स्क्वायर प्लस 1, 32 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 1, 33 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे देखिए। अगर आप लोग स्क्वायर रूट अच्छे से लर्न हो जाएंगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आप लोग स्क्वायर रूट लर्न नहीं होगे, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस नहीं मिलेगा तो फिर आप बोलोगे कि आंसर क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ। एक्चुअली आप लोगों को जो है पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न चलता क्या है, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन जो हमारा 46, 267, 462, 631, 774 एंड मिसिंग टर्म, यही दिया हुआ है। डिफरेंस चेक करें, सबसे पहले 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 26 माइनस 4 22 आ जाएगा, 221 आ जाएगा, ओके। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है तो 12 माइनस 7 5 आ जाएगा, 5 माइनस 6 9 आ जाएगा, यहाँ 3 195 मिलेगा मुझे, ठीक है। तो 11 माइनस 2 9 मिलेगा मुझे, 12 माइनस 6 5 आ जाएगा, 5 माइनस 1 तो 169 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, 6 माइनस 143 मिला मुझे, ठीक है। अभी देखिए सिंगल डिफरेंस से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पैटर्न चलता क्या, ठीक है। 169 जो है 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 आना चाहिए था, पर 195 दिख रहा है हमें, तो डबल डिफरेंस लेके चेक करते हैं। 11 माइनस 16 का, और यहाँ क्या मिलेगा डिफरेंस, 26 का डिफरेंस है ना यहाँ पर, 926 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 माइनस 26 का ही डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ पर भी जो है 26 का ही डिफरेंस है, तो अगला भी जो होना चाहिए 26 का ही डिफरेंस, तो 143 माइनस 26 30 माइनस 6 7 आ जाएगा 117, तो 117 जो है 774 में ऐड कर दीजिए, बस इतना ही था, तो 891 मिलेगा मुझे आंसर। तो आखिरी क्वेश्चन आंसर मिला वो मिला मुझे 891। तो इसी तरह मेरे टोटल पांचों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट मिसिंग नंबर सीरीज के, और पांचों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के, ठीक है। इन दोनों टॉपिक में से अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जय हिंद।